चलिए स्टूडेंट्स, रघुवीर सहाय जी की अगली रचना जिसका शीर्षक है भाषा का युद्ध, आज हम पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि सामाजिक जीवन में वर्ग संघर्ष है, उसी प्रकार मालिक की भाषा और हमारी भाषा में संघर्ष है। कवि ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब कोई व्यक्ति भाषा को लेकर संघर्ष करता है तब वह मूल सामाजिक समस्याओं को भूल जाता है। व्याप्त भाषाई झगड़े से आहत है, कवि कहता है कि जो हमारे देश के अंदर भाषा का झगड़ा है उससे मुझे बड़ा आघात लगा है, और भाषा के लिए संघर्ष करते समय हमें मूलभूत समस्याओं को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें और जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं को भाषा की लड़ाई एक दूसरे के समीप नहीं लाई थी। मतलब भाषा से जुड़ी हुई बातों के बारे में, जो हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं और उन भाषाओं के कारण जो युद्ध चलता है उसके बारे में कवि ने इस कविता के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए हैं। जिस प्रकार सामाजिक जीवन में वर्ग संघर्ष है उसी प्रकार मालिक की भाषा और हमारी भाषा को लेकर संघर्ष है। कि मालिक का अर्थ क्या है, कि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो कवि कहना चाहता है कि हम हमेशा भाषा के लिए युद्ध करते रहे हैं और इससे कवि के मन को बड़ी गहरी ठेस पहुंचती है। अब आइए आगे देखते हैं कवि क्या कहता है कि अब हम भाषा के लिए लड़ने के वक्त यह देख ले कि हम उससे कितनी दूर जा पड़े हैं। कवि कहता है कि हमें भाषा के लिए जब हम संघर्ष करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, तो इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि इन समस्याओं के कारण, इन झगड़ों के कारण वास्तव में जिन समस्याओं के लिए हम लड़ना चाहते थे उन समस्याओं से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। भाषा कोई लड़ाई झगड़े का कारण नहीं है। कवि के कहने का भाव क्या है कि भाषा किसी लड़ाई झगड़े का कारण नहीं है, लेकिन हम भाषा का झगड़ा करते वक्त यह नहीं सोच पाते कि जिन समस्याओं के लिए हम लड़ रहे हैं, वास्तविक जो हमारी समस्याएं हैं उनसे हम दूर हो चुके हैं। जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो मूल समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं हैं, उन सबको हम अपने से दूर कर रहे हैं। हमें और जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं को भाषा की लड़ाई एक दूसरे के समीप नहीं लाई। जिनके लिए हम लड़ते हैं उनको हमको भाषा की लड़ाई पास नहीं लाई। जिनके लिए हम लड़ते हैं और जो हम लड़ रहे हैं, जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं और जिनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमें भाषा एक दूसरे के करीब कभी लेकर के नहीं आई, क्योंकि कोई इसलिए कि यह झूठी लड़ाई थी। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में बहुत सी सामाजिक समस्याएं हैं, बहुत सी सामाजिक परेशानियां हैं, और उन परेशानियों के कारण हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब से हमने भाषा का युद्ध किया है, लड़ाई करने का आधार भाषा को बना लिया है, तब से हम एक दूसरे से दूर हो गए, हमारे अंदर कोई नज़दीकी नहीं आई, क्योंकि भाषा की लड़ाई जो है वह झूठी लड़ाई है, वह संघर्ष झूठा है, वह लड़ाई झूठी है। हम एक दूसरे के साथ व्यर्थ ही लड़ रहे हैं और जो हमारी मूल समस्याएं थी उनसे न जाने हम कितनी दूर हो गए हैं। हम वैचारिक रूप से अपने शत्रु को हराना चाहते थे। कवि क्या कहता है कि क्या कोई इसलिए कि यह झूठी लड़ाई थी, भी हमें भाषा एक दूसरे के नज़दीक क्यों नहीं लाई। तो कवि प्रश्न करता है कि क्या इसलिए कि यह लड़ाई झूठी थी, अर्थात भाषा के लिए की जाने वाली लड़ाई सही नहीं थी, नहीं बल्कि इसलिए कि हम उनके शत्रु थे, क्योंकि हम मालिक की भाषा भी उतनी ही अच्छे तरह बोल लेते हैं। अब कवि ने क्या कहा है कि ये कहना चाहता है कि हमें भाषा को लेकर संघर्ष से बचना चाहिए। हम वास्तविक मुद्दों से, वास्तविक समस्याओं से भटककर भाषा के लिए जब से संघर्ष करने लगे हैं तब से हम मूल मुद्दों से दूर हो गए हैं। न हमारी यह लड़ाई भी झूठी थी और हम जिनसे भाषा से जुड़े युद्ध कर रहे थे वे हमारे शत्रु भी नहीं थे, क्योंकि जो मालिक की भाषा भी हम उतनी अच्छी तरह से बोल लेते हैं जितनी कि हमारा मालिक बोल लेता है। मालिक की भाषा का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जिनसे हम युद्ध करना चाह रहे हैं, जिनसे हम संघर्ष करना चाह रहे हैं, जो हमारा मालिक है। दो तरह से इसमें मालिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, सोच सकते हैं आप, कि एक तो परमात्मा ईश्वर जो है वह सबका मालिक है,
और दूसरा जिसके साथ हम काम करते हैं उसमें भी हम ईश्वर का रूप देख लेते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि हम मालिक की भाषा भी उतनी ही अच्छी तरह बोल लेते हैं जितनी मालिक बोल लेता है। कवि ने इधर यह बताने की कोशिश की है कि ईश्वर जो है वह सभी का मालिक है और उसकी जो भाषा है वह सभी के लिए समान है, क्योंकि वह सबको समान दृष्टि से देखता है। हम उसकी भाषा को उतनी अच्छी से बोल सकते हैं जितनी की अच्छे तरीके से वह बोलता है। कवि के कहने का अर्थ यहाँ क्या है कि हमारा मालिक अच्छी भाषा बोलता है, ईश्वर ने हमें अच्छी भाषा बोलने के लिए बनाया है, अच्छी भाषा दी है, तो हमें भी अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। वही लड़ेगा अब भाषा का युद्ध जो सिर्फ अपनी भाषा बोलेगा, मालिक की भाषा का एक शब्द भी नहीं, चाहे वह शास्त्रार्थ न करे जीतेगा, बल्कि शास्त्रार्थ वह नहीं करेगा। अब कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि भाषा के युद्ध में वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जो केवल अपनी भाषा बोलने की सामर्थ्य रखता हो तथा जो मालिक की भाषा का एक शब्द भी उच्चारण न करे। इसका अर्थ क्या है कि अपने मन में जो बात आ रही है, जो जो परिस्थिति हम अपने आप से सामना कर रहे हैं, उसके अनुसार ही अपनी बात को बोलना, उसके अनुसार ही अपनी बात को कहना, अपनी भाषा में बोलना है। और जो यह भाषा का युद्ध समय सदियों से चलता आ रहा है, कवि कहता है कि उसको वही जीत सकता है जो अपनी भाषा बोलता है और मालिक की भाषा का एक शब्द भी उच्चारण नहीं करता। अब कवि क्या कहता है कि वह ऐसी स्थिति में चाहे कोई व्यक्ति मालिक से के साथ शास्त्रार्थ न करे, वह अवश्य ही विजय हासिल करेगा। कवि कहता है कि वास्तविकता यह भी है कि अपनी भाषा बोलने वाला व्यक्ति कभी किसी दूसरे से वाद विवाद करता भी नहीं है। अब इसने पूरी कविता का सार बताया है कि बल्कि वह शास्त्रार्थ नहीं करेगा। शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ यहाँ क्या है, वाद विवाद करना, तर्क कुतर्क करना, कि जो अपनी भाषा बोलता है वह कभी किसी से तर्क वितर्क शास्त्रार्थ करता ही नहीं है। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति अपने मन से बोलता है, अपनी बात बोलता है, वह कभी लड़ाई झगड़ा करता ही नहीं है। जब वह भगवान बन जाता है, अपने आप को भगवान मानने लगता है और भगवान जैसी भाषा बोल करके दूसरों से लड़ाई करता है, तब ही वह तर्क वितर्क और कुतर्क करता है। वह क्या करेगा, अपने गूंगे गुस्से को वह कैसे कहेगा तुमको शक है, गुस्सा करना ही गुस्से की एक अभिव्यक्ति जानते हो तो। अब कवि क्या कहता है, लेकिन कवि को लगता है भाषा को संघर्ष का माध्यम बनाने वाले लोग उसकी इस बात पर संदेह करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने गूंगे गुस्से को कैसे सह लेता है, अर्थात कोई व्यक्ति कैसे चुप रह सकता है। गूंगे गुस्से का अर्थ क्या है कि अगर गूंगे व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी की कोई बात बुरी लगी है, तर्क वितर्क वाद विवाद शास्त्रार्थ वह अगर करना चाहता है लेकिन वह गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो वह अपनी बात को रख नहीं सकता, वह अपने गुस्से को प्रकट कैसे करेगा, बोल करके बता नहीं सकता। कवि कहता है कि वह क्या करेगा, अपने गूंगे गुस्से की तरह कैसे कहेगा तुमको शक है। कवि क्या कहता है कि लेकिन लोग जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी भाषा बोलने लग जाता है वह वाद विवाद कभी करता नहीं, भाषा को संघर्ष का माध्यम समझने वाले लोग इस बात पर संदेह करते हैं, शक करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने गूंगे गुस्से को कैसे सहन कर सकता है, अर्थात सब कुछ चुपचाप कैसे सहन कर सकता है। लेकिन कवि कहता है भाषा के नाम पर संघर्ष करने वाले लोग अपने गुस्से को ही अभिव्यक्त करना जानते हैं, उन्हें देखकर दूसरे लोग भी गुस्से की अभिव्यक्ति की ही खोज करते हैं, यह बात भाषा का युद्ध लड़ने वाले लोग नहीं जानते। गुस्से की अभिव्यक्ति जानते हो तुम, वह और खोज रहा है तुम नहीं जानते। गुस्सा करना ही जो है उसकी अभिव्यक्ति है। इसमें कवि ने मिली जुली सी बात कही है, पूरी कविता के सार को आप चार लाइनों में समझ सकते हैं। कवि कहता है कि हम भाषा के कारण एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं कि भी मेरी भाषा अच्छी है या मैं मेरी भाषा को सम्मान दूँ या इस भाषा को बोलने से हमें सम्मान प्राप्त होगा, जबकि यह बात सरासर गलत है। भाषा के युद्ध करने के कारण जो हमारी मूल समस्याएं थी, जो हमारी सामाजिक समस्याएं थी, हम उनसे दूर हो जाते हैं। फिर कवि कहता है कि जो मालिक बोलता है, जो मालिक की भाषा है, इसमें देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है क्योंकि हम मालिक की भाषा भी उतनी अच्छी तरह बोल लेते हैं जितनी मालिक बोल सकता है, लेकिन
जो व्यक्ति सिर्फ अपनी भाषा बोलना सीख जाता है वह भाषा का युद्ध अब क्या लड़ेगा। वह मालिक की भाषा का एक शब्द भी नहीं बोलता, वह शास्त्रार्थ अर्थात वाद विवाद भी नहीं करता। कहने का अर्थ क्या है कि जब मनुष्य अपने मन की बात सुनता है और अपनी भाषा बोलता है तो वह किसी भी प्रकार से वाद विवाद नहीं करता। कभी कहते हैं कि जब मैं यह बात कह रहा हूँ कि अपनी भाषा बोलने वाला व्यक्ति वाद विवाद नहीं करता, तो मेरी इस बात पर लोग शक करने लगते हैं कि वह अपनी बात को कैसे कहेगा, क्या चुपचाप सहता रहेगा, गूंगे गुस्से को सहन कैसे करेगा। किसी को इस बात का शक है, लेकिन कभी कहते हैं कि गुस्से की अभिव्यक्ति तुम जानते नहीं हो, वह खोज रहा है, तुम मानते नहीं हो। अर्थात गुस्से की अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती, आप उसको किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हो। और कवि ने जो इस कविता को लिखने का उद्देश्य है वह यह स्पष्ट किया है कि हमें भाषा को लेकर के एक दूसरे से युद्ध नहीं करना चाहिए, और दूसरा सभी भाषाओं का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। भाषा सिर्फ हमारे भाव और विचारों को व्यक्त करने का हमारा एक साधन है, इसीलिए हमें अपने भाव और विचार शुद्ध रखकर शुद्ध रूप में प्रकट करने चाहिए। उसके लिए चाहे भाषा हम कोई भी प्रयोग में ला रहे हों।